होगी। अरे मम्मी काहे झूठ बोल रही हो कि घर में अकेले बोर हो रही हो, घर में मैं भी तो हूँ, तो तुम अकेले कहाँ हुई? और पिछले 2 घंटे से तुम टीवी से चिपक कर एक के बाद एक सीरियल देखे जा रही हो, कभी कुमकुम भाग गया तो कभी कुंडली भाग गया, कभी ये भाग गया तो कभी वो भाग गया, सब भागने में ही लगे हुए हैं, तो सालों मैराथन दौड़ दो, कुछ तो प्राइज जीतोगे। और ये क्या है, कभी पवित्र रिश्ता तो कभी ये रिश्ते हैं प्यार के। और ये बताओ ये जो सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है, इन सालों को अभी तक पता नहीं चला कि इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोर हो रही हूँ। अरे मम्मी तुम्हारे ये बोर सीरियल देख देख कर बोर तो मैं हो गया हूँ। अपने इकलौते बेटे को कोई ऐसे मारता है क्या कि उसकी कलपट्टी लाल हो जाए? खबरदार जो मेरे सीरियल के बारे में एक लफ्ज भी कहा, वरना मार मार के मैं ऐसा लाल करूंगी कि 5 दिन तक मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। अब बचा ही क्या है लाल करने के लिए? दोनों कलपट्टी तो लाल कर ही चुकी हो, सिर्फ नाक ही तो बचा है, उसको अभी लाल कर दो ना। सारी मुसीबत की जड़ यही मोबाइल है। रुक जा, सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो ना? ना माँ से बात करने की तमीज है, ना बाप से बात करने की तमीज है। रुक, आज इस मुसीबत को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। ये ले, ये ले, ये ले। अरे अरे अरे, पापा का गुस्सा मोबाइल पर क्यों निकाल रही हो मम्मी? अरे वो मोबाइल है, पापा नहीं कि सॉरी बोलेगा। अरे छोड़ दो उसको। ना, आज तो इसे खत्म कर ही दूंगी, सारा टंटा ही समाप्त हो जाएगा साला। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो, अब मेरे मोबाइल को छोड़ दो प्लीज। अगर वो मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं पबजी कैसे खेलूंगा मम्मी? मैं सनी लियोनी की फिल्म, मेरा मतलब कि मैं सनी देओल की फिल्म कैसे देखूंगा मम्मी? आज तो इसे खत्म कर ही दूंगी। नहीं नहीं मम्मी, नहीं छोड़ दो मम्मी, अब मेरे मोबाइल को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे इकलौते पति की कसम, अपने इकलौते बेटे की इकलौते मोबाइल को छोड़ दो मम्मी। इकलौता पति? ये इकलौता पति क्या होता है? हर औरत का एक ही पति होता है, कभी सुना है किसी को दर्जन भर पति हो? हैं? हाँ सुना है ना, द्रौपदी के उसके 5 पति थे। अरे कोई है जगह हुआ कि सब सो गए? आ गए महाशय। हाँ आ गया। आए ही क्यों, उधर ही रह जाते, जरूरत क्या थी आने की? भूख लगी थी तो आ गया। क्यों, बाहर में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तब भूख नहीं लगी थी? जो खाना खाने के लिए मुंह उठाकर घर चले आए। देखो ज्यादा दिमाग का भट्टा मत बनाया करो। पापा भरता बैगन का बनता है और दिमाग का दही बनता है। हाँ हाँ भाई, ज्यादा दिमाग का दही और बैंगन का भरता मत बनाया करो। जब बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, और घर में आते ही तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा। गुलछर्रे? अरे गुलछर्रे तो तुम उड़ाती हो, सारा दिन बैठकर बकवास सीरियल देखती रहती हो। मुझे भूख लगी रहती है, खाना परोसने बोलता हूँ तो अभी आई कहकर टीवी से चिपकी रहती हो, और मैं इधर मनाता रहता हूँ कि भगवान जल्दी से ब्रेक आए तो ये महारानी उठकर मुझे खाना परोसे। पापा आपको शायद पता नहीं है, पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखने बैठी हुई औरत दोनों जल्दी नहीं उठते। अगर मैया भैंस? तू मेरी तुलना भैंस से कर रहा है? नहीं मम्मी नहीं, अब मैं तुम्हारी तुलना भैंस से नहीं कर रहा था, मैं तो भैंस की तुलना तुमसे कर रहा था। अब कहाँ भैंस और कहाँ तुम? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और मैं सीरियल को बकवास क्यों कहूँगा? सीरियल तो अच्छे होते हैं, बकवास तो तुम करती हो। यू। और तुम जो रात के 9 बजे तक बैठकर ताश खेलते रहते हो, वो तो तुम बहुत बड़ी समाज सेवा करते हो ना? हैं? ताश ही तो खेलता हूँ। मुझे तुम्हारा ताश खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ताश के पत्ते खेलूं या कुछ भी करूं, इसमें बनवारी लाल का क्या जा रहा है? बनवारी लाल? बनवारी लाल तो मेरे पिताजी का नाम है। हाँ भाई, कहने का मतलब है कि इसमें तुम्हारे बाप पर क्या जा रहा है? भांग का नशा वशा करके आए हो क्या? दिमाग होश में तो है ना? सोच समझ के बोला करो।
ये भांग का नशा नहीं है मम्मी, ये तो पड़ोस वाली पिंकी आंटी की आंखों का नशा है। मुझे पता था उसी चुड़ैल का साया पड़ा है इनके ऊपर। उस कलमुही की आंख में ही मिर्ची झोंक दूंगी, मिल जाए मुझे बस वो। मैंने उसका मुंह नोच कर उसे बंदरिया ना बना दिया तो कोई मेरा नाम बदल दे। बंदरिया मत कहो उसे, बहुत ही खूबसूरत है वो। अरे काहे की खूबसूरत है वो, 4 किलो मेकअप और 2 किलो लिपस्टिक पोत कर घूमती है चुड़ैल। तो तुम्हारी कलकत्ता वाली बहन भी तो इतना ही मेकअप लगाती है, उसकी तो तुम बहुत तारीफ करती हो। अब जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ बढ़िया है, मुझे तो किसी भी एंगल से वो तारीफ के काबिल नहीं लगती है। अरे बाप रे, तुमसे लड़ाई के चक्कर में मैं तो असली बात ही भूल गई। असली बात? कौन सी असली बात? मेरी बहन ने फोन किया था, वो आज यहाँ आने वाली थी। उसने बोला था कि जीजा जी को स्टेशन भेज देना रिसीव करने के लिए। कौन सी बहन आ रही है तुम्हारी? वो कलकत्ता वाली क्या, जो किसी भी एंगल से तारीफ के काबिल नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर कौन, और कौन सी बहन है तुम्हारी? है एक बहुत ही दूर के रिश्ते की बहन है। कहाँ से आ रही है? मुंबई से। मुंबई? मुंबई तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी तो वो दूर की रिश्ते की बहन है। ट्रेन कितने बजे आने वाली थी? 8 बजे। अब तो 10 बज गए, अब तक तो वो वापस भी चली गई होगी। अरे अब इतनी रात को कौन आ गया? जी आप कौन? हमको नहीं पहचाने, हम आपकी साली हैं जीजा जी। चंपा, आप हमको स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आए? अब घुसने भी नहीं दीजिएगा क्या? अंदर अंदर नहीं आने दीजिएगा क्या, जो दरवाजा छेक के खड़े हैं? चलिए हटिए। दीदी हम आ गए। इतनी सुंदर साली, साला मैं स्टेशन क्यों नहीं गया इसको लेने? बाइक पर पीछे बैठा कर लाता, वो भी गड्ढे वाले रास्ते से। इतनी सुंदर साली से मिलने के बाद फिर मैंने क्या क्या किया, ये जानने के लिए इस सीरीज का अगला पार्ट जरूर देखना। और तब तक के लिए MSG Toons चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो यार।